हाय फ्रेंड्स, हम हैं टीम जेगो और आज मैं आपको बताऊंगा अटैच अट्रैश के बारे में डिटेल और डिस्क्रिप्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अटैच अट्रैश वन टाइप ऑफ स्टैंड है। जैसे कि हमारे घर पे वेस्टेज बैग्स रहती है, उसको हम एज अ ट्रैश के तौर पे यूज़ कर सकते हो। जैसे ही वो बैग्स फुल हो जाती है, निकाल के फेंक सकते हो, दूसरी बैग लगा सकते हैं। जे इस टाइप का ये जो बैग है, घर पे निकली हुई कोई भी चीज़ की बैग हो तो चलती है। इसमें एक तो ये मेन यूनिट आता है और एक इंस्ट्रक्शन गाइड आता है। मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे कि ये है इंस्ट्रक्शन स्लिप और ये है अटैच अट्रैश का मेन यूनिट। ये जो यूनिट है, ये लगता है कोई भी किचन में वार्डरोब है, ड्रॉअर है, तो उसके हेड पे ये फिट हो जाता है। और उसके बाद हमें क्या करना है, मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि समझो, इस टाइप का वार्डरोब है जो स्टैंडर्ड रहता है, उस पे ये अटैच होता है। थोड़ा टाइट होता है जिसे कि निकले ना, ये अटैच हो गया है। सपोज कि ये है मेरे पास बचा हुआ बैग, तो इसको क्या करना है, डाल देना है और ये ट्रे को, इस पे ये लॉक है। हाँ, ये लॉक, ये लोग यहाँ पे लॉक हो जाएगा, तो फिर से ये बैग को निकलने नहीं देगा। सपोज कि ये हो गया है और ये रहता है इसका टॉप। जैसे कि अभी आज हमने अटैच किया है तो थोड़ा बहुत ही गार्बेज आया है, तो 2-3 दिन के लिए रखना है, तो ये बंद हो जाता है। ये नीचे बन गया है गार्बेज बैग। 10 पाउंड तक का ये कैपेसिटी रखता है। पाउंड का किलो में कितना होता है एक्चुअल में मुझे पता नहीं है, पर इजी है। अभी सपोज कि ये फुल हो चुका है तो यहाँ से ये निकल जाएगा। लॉक को थोड़ा अंदर की ओर प्रेस करना है, ये निकल गया और ये यहाँ नीचे से निकल जाता है। ये गार्बेज, और गार्बेज में डाल देना है। वैसे मेरे हिसाब से काम की चीज़ है, पर रिक्वायरमेंट होने के हिसाब से है, काम की चीज़ बनती है। अगर कुछ सपोज कि किचन में ड्रॉअर ही नहीं है तो ये बिना काम की चीज़ हो जाती है, अगर है तो काम की चीज़ है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालें, टू व्हील ड्राइव करते टाइम हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, स्वच्छ भारत में अपना योगदान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।